मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद। कोरोना हो, साइक्लोन हो या फिर कोई इंसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, सबके भगवान बन चुके हैं सोनू सूद। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। दिन रात सड़कों पर आकर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की मदद की है। जी हाँ, सोनू सूद और उनकी टीम लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और हर एक जरूरतमंद के मैसेज का रिप्लाई भी दे रही है। अब एक बार फिर सोनू सूद चक्रवाती तूफान निसर के दौरान लोगों के लिए किसी मसीहा की तरह सामने आए हैं। सोनू और उनकी टीम ने मुंबई के तटीय इलाकों के नजदीक रहने वाले 20,000 लोगों को तूफान से पहले ही सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। सोनू की टीम ने इन लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया था। इन सभी लोगों को नगर पालिका के स्कूलों और कॉलेजों में ठहराया गया है। इसके अलावा सोनू की टीम ने मुंबई में फंसे असम के 200 से अधिक प्रवासी मजदूरों की भी मदद करते हुए उनके खाने पीने का इंतजाम किया है। आपको बताते चलें कि हजारों लोगों को उनके घर पहुंचाने के अलावा सोनू सूद ने केरल में फंसी महिलाओं को उनके घर भुवनेश्वर फ्लाइट से पहुंचाने का भी इंतजाम किया था। इसी बीच सोनू सूद ने लोगों को आगाह भी किया है कि अगर कोई घर भेजने के लिए उनके नाम पर पैसे मांगे तो इसकी तुरंत शिकायत करें। इस वक्त टीवी एक्टर राजेश कारीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। राजेश कारीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था जहां पर वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजेश ने अपने वीडियो में अपनी फैमिली को लेकर वापस अपने घर पंजाब जाने की बात भी कही थी। शिवांगी जोशी के बाद राजेश कारीर की मदद के लिए सामने आए सोनू सूद। खबर है कि सोनू सूद ने उनसे फोन पर उनका हाल लिया और फिर उनके लिए मदद की बात भी की। राजेश के वीडियो पोस्ट करते ही लोग उनकी मदद के लिए सामने आने लगे और अब उन्होंने दिल को सुकून पहुंचाने वाला एक वीडियो फिर से पोस्ट किया है जो आपको इमोशनल कर देगा। मैं राजेश कारीर, पहचानते हैं आप मुझे सब। मैंने संडे को 11:30 के आसपास सुबह अपनी एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक प्रोफाइल पे। अपनी उस स्थिति के बारे जो बस उस वक्त मेरी बदतर हालत थी, मैंने अपनी हर चीज़ आपके साथ शेयर की थी। मैं बड़ी संतुष्टि के साथ आपके सबको मुझे बताना चाहता हूँ कि संडे से लेकर आज तक थर्सडे को मुझे दोनों हाथ से ऊपर वाले ने आशीर्वाद दी है अब सबकी बदौलत। ऐसा लगा पूरा भारत, पूरे भारतवासी ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं और मुझे आशीर्वाद दिए हैं। मेरे कंधे पे दोनों हाथ रख दिए हैं, मेरे पूरे परिवार पे अपने दोनों हाथ रख दिए हैं कि चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। आज मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ, आज मेरी वो बदतर स्थिति नहीं है। जिस तरह से सोनू सूद लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, इसे देखते हुए कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोनू सूद वाकई भगवान साबित हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।